यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल स्टडी को। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी ट्रेडिशन ऑफ सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जनवरी 2019 के करंट अफेयर की। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। खासकर एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी व्यापम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसके अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होती है उस उन्हीं सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के। जी, एक करंट अफेयर बहुत ही अहम टॉपिक है आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के साथ साथ हम आपके लिए IMV फैक्ट भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और PDF फाइल भी आपको इस वीडियो की मिल जाएगी ताकि आप बाद में रिवाइज इनको कर सकें। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा जब भी आपको पूरा यहाँ पे करंट अफेयर की जानकारी मिल पाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अंत तक देखना होगा जब भी आपको पूरी करंट अफेयर की जानकारी हो पाएगी। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, नहीं तो आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी करंट अफेयर जनवरी 2019 की हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे, IMP फैक्ट जानेंगे और PDF फाइल भी आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो IMP फैक्ट भी हम इसके देखेंगे ताकि आपको और इसके बारे में डीपली पता चल पाए, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए MPSI कांस्टेबल वगैरह जो भी व्यापम के अंतर्गत एग्ज़ाम होती है। तो चलिए देर ना करते हो स्टार्ट करते हैं। जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, श्री IPC केसरी, श्री MMohan Rao, श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री सुधीर रंजन मोहंती। तो जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव कौन बनाए गए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, श्री सुधीर रंजन मोहंती जी। श्री सुधीर रंजन मोहंती जी को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अब इनके बारे में IMV फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जी, श्री सुधीर रंजन मोहंती 1 जनवरी 2019 से मध्य प्रदेश शासन के मुख्य जो सचिव का कार्यभार संभाला, किन्ने संभाला? सुधीर रंजन मोहंती ने 1 जनवरी 2019 से मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद मोहंती 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। ओके, तो जो मोहंती है श्री सुधीर रंजन मोहंती 1982 के भारतीय प्रशासनिक या IPS सेवा के अधिकारी है। वर्तमान में वे अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल पद पर पदस्थ थे। तो ये जो मोहंती जी है श्री सुधीर रंजन मोहंती वर्तमान, इससे पहले क्या थे? तो वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो वर्तमान अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में कि जो इससे पहले जो बनाए गए सुधीर रंजन मोहंती मुख्य सचिव बनाए गए, इससे पहले वो किसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। किस बैच के प्रशासनिक अधिकारी थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकरते हैं। जी, सेकंड है आपका, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। इस योजना के तहत 6 वर्ष से 79 आयु के दिव्यांगों को 300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रुपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन की पात्रता होगी। सी ऑप्शन, दिव्यांग जनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर दिया, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो होगा आपका डी वाला, उपरोक्त सभी सत्य है। तो जो समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना के बारे में जो सत्य कथन है वो है उपरोक्त सभी। इस योजना के तहत 6 वर्ष से 79 आयु के दिव्यांगों को 300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे,
80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रुपये प्रति माह हितग्राही पेंशन पात्रता होगी और दिव्यांगजनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो सभी पॉइंट है ये सत्य है। इनके IMP फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए दिव्यांग मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ओके, तो किसका? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए अगर इस पात्रता के लिए वो लाभ उठाना चाहता है। हितग्राही जो है उसको जो पात्रता में आना है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना है चाहिए। दिव्यांग की न्यूनतम जो आयु है वो 6 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए जब ये इस योजना का लाभ उठा सकता है। 6 वर्ष से अधिक या 6 वर्ष। दिव्यांग आयकर दाता ना हो। ओके, आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए और परिवार पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो। जो दिव्यांग जो परिवार है वो पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो जब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में पहला विनिर्मित स्वचालित निरीक्षण कार मध्य प्रदेश के किस रेलवे मंडल को मिला है? तो आप ऑप्शन है आपके यहाँ पर रतलाम मंडल, इंदौर मंडल, जबलपुर मंडल और भोपाल मंडल। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो डी वाला आएगा, भोपाल मंडल। इसका IMP फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय रेलवे द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में पहला विनिर्मित स्वचालित निरीक्षण कार भोपाल मंडल को 31 दिसंबर 2018 को मिल गया है। तो जो आपका आंसर होगा वो डी आंसर होगा, भोपाल मंडल। यहाँ पे ये याद रखना होगा, क्वेश्चन में आ सकता है। तो एग्ज़ाम में ये आपका आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है YAI जूनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो 8, 9, 10 और 7। तो जो आपका आंसर है वो आएगा बी वाला, 9। जो YAI जूनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल 9 पदक जीते हैं। तो डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चेन्नई में 26 से 31 दिसंबर 2018 तक आयोजित YAI जूनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। तो यहाँ से ये आपको याद रखने हैं, कितने? 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं। ये कब से कब और कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, 26 से 31 दिसंबर 2018 को आयोजित हुआ था और ये है जूनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप। ओके, इसमें मध्य प्रदेश को जो है 9 पदक दिलाए हैं, कुल 9 पदक। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो जो अभी मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्री YPC केसरी, श्री मनीष रस्तोगी, श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी, श्री बसंत प्रताप सिंह। जी हाँ दोस्तों, श्री बसंत प्रताप सिंह जी को अभी मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो इनका डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्री बसंत प्रताप सिंह भापरासे 1984 को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बसंत प्रताप सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से 6 वर्ष तथा 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो पहले हो तक की अवधि के लिए रहेगा। तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष, जो 6 वर्ष तक होता है इनका राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर 6 वर्ष के लिए हुआ है और 66 वर्ष। अगर इनकी उम्र 66 वर्ष पहले ही हो जाती है तो ये इनकी अवधि समाप्त हो जाएगी, यदि नहीं होती है तो 6 वर्ष तक रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कब 1 जनवरी 2019 से हुआ है इनका। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाएगा, तो वो आपको याद रखना है श्री बसंत प्रताप सिंह जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में स्वच्छ सुंदर शौचालय अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन है 1 से 26 जनवरी 2019, 1 से 10 जनवरी 2019, 1 से 15 जनवरी 2019, 1 से 31 जनवरी 2019। तो जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा 1 से 31 जनवरी 2019, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो स्वच्छ सुंदर शौचालय अभियान जो चलाया जाएगा वो 1 से 31 जनवरी 2019 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है जिन हितग्राहियों ने शौचालय का निर्माण किया है उन्हें उसकी सजावट पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो शौचालय का निर्माण जिन्होंने कर लिया है उनको उनकी सजावट पर पुरस्कृत किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जो अभियान है इसमें पंचायत विकास खंड और जिले स्तर को भी जो है पुरस्कृत किया जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह कर दें, मध्य प्रदेश मंत्रालय में प्रत्येक माह की पहली तारीख को गाया जाने वाला वंदे मातरम गायन की रोक कब से लगा दी है? तो ये आपका क्वेश्चन निकल गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर 2018, 1 नवंबर 2018, 1 फरवरी 2018 और 1 जनवरी 2019। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 जनवरी 2019, ऑप्शन डी। यहाँ पे इसके बारे में देख लेते डिटेल। 13 साल पहले 2004 में बतौर मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने जिस परंपरा को शुरू किया था, जी ये जो परंपरा थी मंत्रालय में प्रत्येक माह की पहली तारीख को गाया जाने वाला वंदे मातरम। ओके तो जो वंदे मातरम गाया जाता था मंत्रालय में प्रत्येक माह की पहली तारीख को, तो वो जो परंपरा थी किसने स्टार्ट की थी? तो वो की थी 2004 में बाबूलाल गौर ने। ओके शुरू की थी उसे कांग्रेस की सरकार ने आते ही तोड़ दिया है। हर महीने की पहली तारीख को गाया जाने वाला वंदे मातरम मंत्रालय में 1 जनवरी 2019 को नहीं गूंजा। तो 1 जनवरी 2019 को नहीं गाया गया वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी ये भी आपको याद रखना है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये उसके रचयिता है। और ये किसने स्टार्ट किया था? बाबूलाल गौर ने 2004 में स्टार्ट किया था। कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद कर दिया है, तो 1 जनवरी 2019 को नहीं गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं जी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन निकल के आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो M.M. उपाध्याय, मंगेश त्यागी, आर परशुराम और लखन यादव। तो जो भी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन निधि एवं नीति विश्लेषण संस्था के महानिदेशक का जो पदभार संभाला है वो आपके है आर परशुराम। सही ऑप्शन आपका रहेगा आर परशुराम, जो इन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ज्ञातव्य है कि आर परशुराम पूर्व में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। ओके तो जो परशुराम जो है आर परशुराम वो पूर्व में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। इन्हें आप क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन निधि विश्लेषण संस्था के महानिदेशक बना दिया है, जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे आर परशुराम, इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद आर परशुराम को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था में महानिदेशक बनाया गया है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इससे पहले क्या थे वो? तो वो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो अब क्या बना दिया? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं निधि विश्लेषण संस्था के महानिदेशक बनाया गया अब उनको। कौन? आर परशुराम। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन में जो है आपके एग्जाम में यह आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुँह करते हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में किसने अपनी टीम के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो आपके जो ऑप्शन है वो है हेमलता सोनी, कुमारी सुनीता राठौर, कुमारी कीमती देसाई, कुमारी इसिका मुखाती। तो जो ऑप्शन है आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा कुमारी इसिका मुखाती। इन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है जी। थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक में जो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल आयोजित हुआ था उसकी टीम के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इसिका मुखाती ने। अखिल लोकता कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बैंकॉक की चुला लॉन्ग कोरन यूनिवर्सिटी में 26 से 30 दिसंबर 2018 तक
स्पर्धा आयोजित की गई जिसमें 26 देशों के कलाकारों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी। इस प्रदर्शन में भारत पहले स्थान पर रहा, तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है कुमारी इसिका मुकाती ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। नेक्स्ट है आपका नवीन दतिया नगर तहसील का कब से कार्य प्रारंभ हुआ, तो नवीन जो दतिया नगर तहसील है इसका कार्य कब से प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन है आपके 26 दिसंबर 2018, 1 जुलाई 2018, 1 अक्टूबर 2018, 1 जनवरी 2019। तो जो आपका आंसर है वो है 1 जनवरी 2019 से नवीन दतिया तहसील का कार्य प्रारंभ हुआ है। जी डिटेल में देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दतिया तहसील को दो भागों में विभक्त किया गया है। जो दतिया तहसील है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, दतिया शहरी एवं दतिया ग्रामीण, दो में डिवाइड कर दिया है, दतिया शहरी और दूसरा दतिया ग्रामीण। तहसील काश्तकारों की सुविधा के लिए बनाई गई है। दतिया नगर तहसील का शुभारंभ कलेक्टर RPS जादौन द्वारा 1 जनवरी 2019 को किया गया। तो इसका जो दतिया नगर तहसील का शुभारंभ कलेक्टर RPS दातोन द्वारा 1 जनवरी 2019 को किया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें। अभी हाल ही में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन है आपका श्रीमती रेणु तिवारी, श्रीमती रेणुका तिवारी, श्रीमती रजनी तिवारी, श्रीमती रानी तिवारी। ओके, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा श्रीमती रेणु तिवारी। श्रीमती रेणु जो तिवारी है इनको राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर है जो उसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने संस्कृति सचिव मध्य प्रदेश शासन श्रीमती रेणु तिवारी को राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति के पद पर 2 जनवरी 2019 को नियुक्त किया है। तो किन्होंने किया है, तो आनंदीबेन पटेल ने किया है, राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश शासन श्रीमती जो ये सांस्कृतिक सचिव है, ओके, सांस्कृतिक सचिव भी है श्रीमती रेणु तिवारी। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर सामयिक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो जो अभी हाल ही में आपके जो 15वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए, तो ऑप्शन है दीपक सक्सेना, NP प्रजापति, KP सिंह, गोविंद सिंह। तो जो आपका आंसर है वो आएगा दीपक सक्सेना। जो सक्सेना जी है इनको मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। डिटेल में देख लेते, तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 2 जनवरी 2019 को छिंदवाड़ा के विधायक श्री दीपक सक्सेना को सामयिक अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर भी इनको बोला जाता है, सामयिक अध्यक्ष को। तो जो इनके पद की शपथ दिलाई है राज्यपाल जो मध्य प्रदेश की है आनंदीबेन पटेल ने 2 जनवरी 2019 को। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किया गया, तो दीपक सक्सेना आपका जो आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश श्रम मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मध्य प्रदेश के कौन से मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश भवन शहरी ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, नेक्स्ट है आपका सी वाला अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, और डी आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी मंडलों का। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी उपरोक्त सभी मंडलों का। तो जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश श्रम मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मध्य प्रदेश के जो है श्रम कल्याण मंडल, मध्य प्रदेश भवन मंडल और शहरी ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया को मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल मंदसौर का भी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस प्रकार अभी कुल 4 मंडलों का अध्यक्ष श्रम मंत्री 2 जनवरी 2019 को बनाए गए हैं। तो जो है श्रम मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया इनको 4 मंडलों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये आपको ऑप्शन जो फैक्ट है आपको ये याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन।
बन सकते हैं। बहुत ही आईएमपी जो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल निश्चिंत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। कब बुलबुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कब बुलबुल उत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो जो ऑप्शन है आपके जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है भोपाल। कब बुलबुल उत्सव का जो आयोजन किया जाएगा वो भोपाल में किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति कार्य विकास विभाग भोपाल के वित्तीय अनुदान तथा भारत सरकार स्काउट एवं गाइड द्वारा संयुक्त रूप से भोपाल में आगामी 3 से 7 जनवरी 2018 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये कब किया जाएगा? 3 से 7 जनवरी 2018 को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य छोटी छोटी तकनीकों एवं सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से कैडेट्स की मानसिक विलक्षणता को विकसित करना होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो कैडेट्स की जो मानसिक विलक्षणता को विकसित करना होता है छोटी छोटी तकनीकों एवं सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को कब से साप्ताहिक अवकाश देने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो जो मध्य प्रदेश में जो पुलिस कर्मी हैं उनको साप्ताहिक अवकाश देने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपके जो ऑप्शन है 2 जनवरी 2019, 3 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 और 31 दिसंबर 2018। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 3 जनवरी 2019। 3 जनवरी 2019 से मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की परंपरा प्रारंभ कर दी गई है। ओके, तो जो यहाँ पे आप पुलिस कर्मियों को जो है सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा इसके अंतर्गत। जी, डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है वो बाला बच्चन जी हैं, और मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो है वो है श्री उमंग सिंघार जी हैं। जी, यदि आप ये जो कैबिनेट वाले जो मिनिस्टर है इनकी शॉर्ट ट्रिक से इनको याद करना चाहते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल इजी ट्रिक हमने आपके लिए बनाई है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री। ओके, तो यदि ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हमने इसकी लिंक दे दी है इस वीडियो की, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश को, उसको शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल वीडियो देखना है और याद हो जाएंगे, बस इमेजिन करना होगा बस, और कुछ नहीं। आपको पूरे कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो मंत्री है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसमें। तो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री वो बाला बच्चन जी है, और मध्य प्रदेश के वन मंत्री है जी उमंग सिंघार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकर दें। नेक्स्ट है, बाल वैज्ञानिक 2019 राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद और रायसेन। तो जो आपका जो आंसर है वो है होशंगाबाद। जो बाल वैज्ञानिक 2019 राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जो है उसका जो आयोजन किया जाएगा होशंगाबाद में किया जाएगा। जी, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के तत्वाधान में बाल वैज्ञानिक 2019 राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन होशंगाबाद में 16 से 17 जनवरी 2019 को किया जाएगा। तो ये जो है होशंगाबाद में, और कब किया जाएगा? 16-17 जनवरी 2019 को किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर थे। जी, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में डॉक्टर गोविंद सिंह को सहकारिता विभाग के साथ साथ कौन से अन्य विभाग मंत्रालय सौंपा गया है? ओके, तो यहाँ पे जो गोविंद सिंह जी है इनको सहकारिता विभाग तो इनके पास पहले से ही था, इनको कौन सा और अन्य विभाग जो है दिया गया है? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है वो है जनसंपर्क विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सामान्य प्रशासन विभाग। तो जो अभी गोविंद जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो इनके पास में सहकारिता विभाग था, तो सामान्य प्रशासन विभाग भी इनको दे दिया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो यहाँ पे ये याद रखिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2 जनवरी 2019 को डॉक्टर गोविंद सिंह को सहकारिता के साथ सामान्य प्रशासन विभाग भी दिया गया है। तो इनके पास जो तो पहले से सहकारी जो विभाग था, तो इसके बाद में प्रशासन विभाग भी दे दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग 2 जनवरी को।
नेक्स्ट है मंत्री पीसी शर्मा को जनसंपर्क विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी सौंपा गया, सौंप दिया गया। तो जो मंत्री जो है पीसी शर्मा, इनके पास जो है जनसंपर्क विभाग था, तो इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी सौंप दिया गया है। जनसंपर्क विभाग अब तक सीएम कमलनाथ ने अपने पास रखा था, तो जो जनसंपर्क विभाग है ये कमलनाथ जी के पास था, तो बाद में इनको जो है पीसी शर्मा जी को सौंप दिया है। इनके पास पहले क्या था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग था। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा गृह मंत्री बाला बच्चन को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो आपके गृह मंत्री है बाला बच्चन जी, इनको तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये आप बहुत ही इजी तरीके से याद रख सकते हैं पूरे कैबिनेट मिनिस्टर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देख सकते हैं आप हमारा, हमने वीडियो इसका ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है। ओके, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, आपको ईजिली याद हो जाएगा, बिल्कुल कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकर दें जी। सौभाग्य योजना में लक्ष्य प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य देश में अव्वल बना है? तो जो सौभाग्य योजना जो चलाई गई थी उसमें लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य देश में अव्वल बना है, तो वो है आपको ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जो आपका राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सौभाग्य योजना में लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का सबसे अव्वल राज्य बन गया है। तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हो, सौभाग्य योजना ने में पूरे मध्य प्रदेश में 19,84,264 कनेक्शन प्रदान किए हैं। तो जो सौभाग्य योजना है इसमें मध्य प्रदेश ने पूरे 19,84,264 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। सौभाग्य योजना के लक्ष्य को देश भर में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले पूर्ण किया है। तो जो सौभाग्य योजना है इसको लक्ष्य को पूर्ण करने वाला कौन सा देश है जिसने सबसे पहले इसके लक्ष्य को पूर्ण किया है, तो वो है मध्य प्रदेश आपका। इसको मुझे ये पॉइंट ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं जी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में मीसाबंदियों की पेंशन में अस्थायी रोक लगा दी। मीसाबंदियों को प्रतिमा कितने रुपए तक पेंशन दी जाती थी? 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये। जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे आएगा 25,000 रुपये। तो जो मीसाबंदियों की पेंशन पर अस्थाई रोक लगा दी है, मीसाबंदियों को पहले जो है जो पेंशन दी जाती थी वो 25,000 रुपये प्रतिमाह दी जाती थी। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो मध्य प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों को यहाँ पेंशन दी जाती है। पूर्व CM जो है हमारे जो थे शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए थे कि यदि आपातकाल के दौरान कोई व्यक्ति एक दिन भी जेल में रहा है तो उसे पेंशन दी जाएगी। तो ये उन्होंने कहा था शिवराज सिंह चौहान ने कि आपातकाल के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन भी जेल में रहा तो उसको पेंशन दी जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2017 में जो मीसाबंदियों की जो पेंशन थी उसको 10,000 से 25,000 रुपये तक कर दी गई थी। तो जो पहले थी वो 10,000 रुपये थी, बाद में इसको 25,000 कर दी गई थी। तो अभी उसको अस्थायी रोक लगा दी गई है उस पर। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 1 जनवरी से 20 जनवरी 2019, 1 जनवरी से 10 फरवरी 2019, 1 जनवरी से 5 फरवरी 2019, 1 जनवरी से 25 फरवरी 2019 तक। तो जो राइट आंसर है वो आपका आपका ग्वालियर व्यापार मेले का जो आयोजन किया जाएगा वो 1 जनवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 तक किया जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हो, तो ग्वालियर मेले में वाहनों की बिक्री पर 50% की टैक्स छूट प्रदान किया जाएगा। तो जो ग्वालियर में जो मेला लगेगा उस पर वाहनों की बिक्री पर 50% की टैक्स छूट प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर व्यापार मेले को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स में 50% की छूट दे दी है। ये ग्वालियर व्यापार मेला 1905 में ग्वालियर महाराज, जो ग्वालियर के महाराजा थे वो माधव राव शिंदे द्वारा शुरू किया गया था। तो जो ग्वालियर का व्यापार मेला है 1905 में स्टार्ट किया गया था, महाराजा माधव राव सिंधिया जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था जो ग्वालियर का व्यापार मेला। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। जीके ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, करेंट अफेयर में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकर दें
जी, अभी हाल ही में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। तो जो आपका समाज के प्रति, जो समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता कार्यशाला का जो शुभारंभ किया गया है वो भोपाल में किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषयक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ 4 जनवरी 2019 को उपलोकायुक्त जस्टिस श्री सुशील पालो ने किया है। किन्हें किया है? उपलोकायुक्त जो है मध्य प्रदेश के, वो जस्टिस श्री सुशील पालो ने किया है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया मध्य प्रदेश के उपलोकायुक्त वाला। तो 4 जनवरी 2019 को किया है उपलोकायुक्त जस्टिस श्री सुशील पालो ने किया है। इस कार्यशाला का जो आयोजन है वो 4 से 5 जनवरी 2019 तक किया जा रहा है। तो 4 से 5 जनवरी 2019 तक किया जा रहा है, 4 जनवरी किया, 5 जनवरी तक रहेगा ये कार्यशाला चलेगी। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक जो है वो ऋषि कुमार शुक्ला है। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट भी क्लियर होगा। मध्य प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक है वो श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी, केपी सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट। तो जो अभी हाल ही में राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित के जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए वो किए गए डॉक्टर गोविंद सिंह जी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी को राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है जी। सहकारी सामान्य प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने 4 जनवरी 2019 को सहकारिता विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन संघ मर्यादित के अध्यक्ष का भी प्रभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हाल ही में मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को 2 सहकारी संस्थाओं का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्हें 2 सहकारी संस्था के अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। जी, मध्य प्रदेश का जो पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक खोला जाएगा ये इंदौर में खोला जाएगा। आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। तो मानसिक रोग चिकित्सालय इंदौर में प्रदेश का पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक खोला जाएगा। इस सेंटर में शराब के अलावा ब्राउन शुगर, चरस, अफीम जैसे नशे के आदि मरीजों का भी इलाज हो सकेगा। तो जो ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक है इंदौर में खोला जाएगा, इसमें जो है ब्राउन शुगर, चरस, अफीम जैसे नशे के आदि मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ किया गया है? ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो आपका जो आंसर रहेगा राइट आंसर वो इंदौर रहेगा। इंदौर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो है महोत्सव किया गया है। यहाँ पे आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। तो जो परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा शनिवार 5 से 6 जनवरी 2018 तक को इंदौर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो ये कब किया गया? तो 5 से 6 जनवरी 2018 को यहाँ पे कोई 2018 हो गया, बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे 19 का लीज 2019, जो 5 से 6 जनवरी 2019 तक को इंदौर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन जो है, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ है। महोत्सव के अंतर्गत जो यहाँ पे आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देवी अहिल्या जो विश्वविद्यालय, इसके कुलपति है वो डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ है। महोत्सव के अंतर्गत योग कल्याण, शिक्षा और साथ छात्रों का स्वास्थ्य विषय पर कॉन्फ्रेंस, योग आसान प्रतियोगिता, मलकम प्रतियोगिता, योग महोत्सव आदि कार्यक्रम होंगे। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष के पद का कार्यभार वो किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है विधायक इंदल सिंह कंसाना ने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल और पूर्व मंत्री केपी सिंह।
तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल जी। जो प्रदीप जायसवाल है इन्होंने मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। एमपी फैक्ट देख लेते हैं। खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने 5 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, कार्यभार ये ग्रहण किया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो खनिज साधन मंत्री जो है प्रदीप जायसवाल ने खनिज निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। ओके, 5 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल से हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत कब हुई है? 3 जनवरी 2019, 6 जनवरी 2019, 5 जनवरी 2019, 4 जनवरी 2019। तो ये जो हुई है वो हुई है 5 जनवरी 2019 को। मध्य प्रदेश में भोपाल से हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हुई है 5 जनवरी 2019 को। यहाँ पे जो आपका मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 5 जनवरी 2019 को राजा भोज हवाई अड्डे से इंडिगो एयरलाइंस की भोपाल हैदराबाद सीधी सेवा का आज शुभारंभ किया है, यानी 5 जनवरी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है? श्री जीतू पटवारी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़। तो जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर डीपी सिंह। आपको ये याद रखना है। एमपी फैक्ट देख लेते। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर दीक्षांत समारोह 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ। तो जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय दीक्षांत जो समारोह था इंदौर में वो 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल थी वो आनंदीबेन पटेल, डॉक्टर डीपी सिंह एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने भाग लिया। तो जो ये दीक्षांत समारोह हुआ था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, इसने आनंदीबेन पटेल, डॉक्टर डीपी सिंह और जो जीतू पटवारी ने भाग लिया है इसमें। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय होल जो इंदौर के जो कुलपति है वो डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर डीपी सिंह। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति कौन है? तो जो नानाजी जो देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के जो कुलपति है वह है आपके डॉक्टर प्रयाग दत्त जुआर। ओके, डॉक्टर प्रयाग दत्त जुआर आपके जो है नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय के जो है कुलपति है। यहाँ पे आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है। तो जो मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के में जो संशोधन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जो भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन हेतु जो समिति गठित की गई है उसके जो अध्यक्ष है कौन बनाए गए? तो यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा श्री IS दानी जी। श्री IS दानी आपके जो है भू राजस्व संहिता 1959 के में संशोधन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष बनाए गए। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन करने, नए नियम बनाने और नियमों के प्रारूपण के लिए गठित समिति को पुनर्गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। तो आपको ये यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकर दें। इसके बारे में अब डिटेल देख लेते हैं। तो जो अध्यक्ष राज्य भूमि सुधार आयोग श्री IS दानी की अध्यक्षता वाली समिति में प्रमुख सचिव जो है राजस्व मंत्री मनीष रस्तोगी उपाध्यक्ष होंगे। और जो समिति मध्य प्रदेश भू राजस्व संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में किए गए संशोधनों का पर विचार करेगी। तो यहाँ पर यह पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी खुशबू खान मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी है? जी, अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी खिलाड़ी है खुशबू खान मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है, किस जिलों की निवासी है? तो आपके ऑप्शन है शिवपुरी, इंदौर, भोपाल, रायसेन। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भोपाल। भोपाल की है खुशबू खान जो है भोपाल से बिलोंग करती है, भोपाल की हॉकी खिलाड़ी हैं वो।
तो यहाँ पर उनके बारे में डिटेल देख लेते। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। ओके, भोपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी खुशबू को राहुल नगर में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले भवन में आवास आवंटित किया जाएगा। तो जो हॉकी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी खुशबू खान को राहुल नगर में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले भवन में आवास आवंटित किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो श्री जगदीश उपासने, श्री जयदीप भावरी, श्री पी नरहरी और श्री राधेश्याम जुलानिया। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, माखनलाल जो चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के जो पद कुलपति का जो पद था उसके लिए अतिरिक्त प्रभार जो है श्री पी नरहरी को सौंपा गया है। जी, अतिरिक्त प्रभार जो है श्री पी नरहरी को सौंपा गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी 2019 को जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री पी नरहरी को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तो वहाँ पे ये आपको याद रखना है। जी, विश्वविद्यालय जो के तत्कालीन जो कुलपति श्री जगदीश उपासने का त्याग पत्र दे दिया था। जी, जो कुलपति थे, यहाँ के जो कुलपति थे तत्कालीन कुलपति जगदीश उपासने ने त्याग पत्र दे दिया था, इसलिए फिर किसको बनाया गया? श्री पी नरहरी को बनाया गया, जो कि यहाँ पे याद रखना है, जनसंपर्क विभाग के जो सचिव थे। ओके, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। मध्य प्रदेश के किस सांसद को मैगजीन फेम इंडिया के सर्वे में वर्ष 2018 के लिए संसदीय क्षेत्र के विकास के जागरूक श्रेणी की सूची में प्रथम स्थान पर चुना है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन है सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद कमलनाथ, सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपका यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सांसद सुधीर गुप्ता। ओके, तो जो सांसद जो सुधीर गुप्ता है मध्य प्रदेश के जो सांसद है, को मैगजीन फेम इंडिया के सर्वे में वर्ष 2018 के लिए संसदीय क्षेत्र के विकास के जागरूक श्रेणी में सूची में प्रथम स्थान दिया गया है या चुना गया है प्रथम स्थान पर। तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है, देश के प्रमुख मैगजीन फेम इंडिया ने देश भर के 545 जो सांसद थे को लेकर 10 श्रेणियों में किए गए एशिया पोस्ट फेम इंडिया सर्वे में 25 टॉप सांसदों को चुना है। इसमें मंदसौर, नीमच और जावरा के सांसद सुधीर गुप्ता का भी चयन किया गया है। उन्हें संसदीय क्षेत्र के विकास में जो विकास किया गया था, विकास के जागरूक श्रेणी की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे आपका याद रखने वाली बात है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 19वीं ऑल इंडिया लेदर वॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जो हुई थी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपसे पूछा है, तो ये गुना, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर। जो राइट आंसर आपका रहेगा गुना में। तो जो 19वीं ऑल इंडिया लेदर बॉल जो T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी वो गुना में हुई थी। 8 जनवरी 2019 को संजय स्टेडियम गुना पर खेले गए फाइनल मैच में इंदौर ने गुना को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो जीत किसकी हुई? तो इंदौर ने जो है गुना को हरा दिया है। ओके, कहाँ हुआ था ये? तो गुना में हुआ था, संजय स्टेडियम में, 8 जनवरी 2019 को। यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव 2019 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 14 से 28 जनवरी 2019, 14 से 26 जनवरी, 14 से 24 जनवरी, 14 से 22 जनवरी। तो राइट आंसर रहेगा 14 से 28 जनवरी 2019 तक किया जाएगा आनंद उत्सव का आयोजन। यहाँ पे जी, आनंद उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के अध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो जो किया जाता है, ये अध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है आनंद उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के। आनंद उत्सव की गतिविधियाँ 14 से 21 जनवरी 2019 तक पंचायत एवं नगरीय स्तर पर, 22 से 24 जनवरी 2019 तक विकासखंड स्तर पर, 25 से 28 जनवरी 2019 तक जिला स्तर पर गतिविधियों का सफल संचालन कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो जो मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र जो बनाया गया है वो आपका झाबुआ में बनाया गया है। ओके,
झाबुआ में आपका दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे IMP फैक्ट देख लेते, तो दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ते हुए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ओके NCL और सिंगरौली जिला प्रशासन एक आवासीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का संचालन करेगी। तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है, इसके लिए दोनों के बीच 8 जनवरी 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये जो होगा झाबुआ में बनाया जाएगा ओके आवासीय पुनर्वास केंद्र जो होगा दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र झाबुआ में बनाया जाएगा, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रीव्रत शुक्ल ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो वो आपके जो ऑप्शन है वो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, CV रमन विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के जो कुलपति थे प्रोफेसर प्रीव्रत शुक्ल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर जो थे KN सिंह यादव कुलपति अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय और रीवा के साथ महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलपति के पद देखेंगे ओके। तो जो यहाँ के जो थे NP सिंह यादव कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के जो थे वो रीवा का जो है कुलपति के पद देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम स्थान पर रहा है? चंबल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग और भोपाल संभाग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इंदौर संभाग। इंदौर संभाग जो है सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में IMP फैक्ट देख लेते पहले। जी, सुकन्या समृद्धि योजना में संपूर्ण भारत में अब तक लगभग 14 लाख खाते खोले गए ओके। तो सुकन्या योजना समृद्धि योजना में 14 लाख को खाते खोले गए संपूर्ण भारत में अभी तक, जबकि अकेले इंदौर संभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला इंदौर में 80,325 खाता खोले गए। अकेले इंदौर में 80,325 खाते खोले गए। इंदौर संभाग की इस उपलब्धि के कारण मध्य प्रदेश इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर है ओके। तो इंदौर संभाग की इस उपलब्धि के कारण ही मध्य प्रदेश इस योजना में प्रथम स्थान पर रहा है, क्योंकि वहाँ पर 80,325 खाते खोले गए सुकन्या समृद्धि योजना में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें। भोपाल में IAS सर्विस मीट 2019 कब से कब तक आयोजित की जाएगी? 18 से 19 जनवरी 2019, 18 से 22 जनवरी, 18 से 20, 18 से 21 जनवरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो 18 से 20 जनवरी 2019 रहेगा। भोपाल में आयोजित की जाने वाली IAS सर्विस मीट का उद्घाटन जो मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने 18 जनवरी 2019 को प्रशासन अकादमी में करेंगे ओके। तो जो कब करेंगे तो 18 जनवरी 2019 को करेंगे कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं। इस सर्विस मीट में प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर तथा IAS अधिकारी शामिल होंगे। तो जो कलेक्टर और IAS अधिकारी शामिल होंगे 52 जिलों के टोटल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दें। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा ने जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के हीना कांवरे उपाध्यक्ष निर्वाचित की गई, वहाँ कहाँ से विधायक है? तो हीना कांवरे जो है उपाध्यक्ष बनाई गई है तो वह कहाँ से है? तो वहाँ बेहर, लांजी, परसवाड़ और कटांगी। तो ये जो है लांजी से है, लांजी जो कि बालाघाट में आता है वहाँ से ये विधायक है निर्वाचित की गई है। जो कहाँ से? वहाँ लांजी से विधायक है, ये आपको याद रखना है। जो हीना कांवरे लांजी बालाघाट से कांग्रेस विधायक है ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, किस पार्टी से? तो कांग्रेस से विधायक है ओके। मध्य प्रदेश जो है 15वीं विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति NP प्रजापत जी। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में विश्राम को बढ़ावा देने और मध्य प्रदेश पर्यटन ब्रांड को स्थापित करने के लिए कौन से कार्ड की पहल की गई है? प्रीविलेज मेंबर कार्ड, मध्य प्रदेश पर्यटन होटल कार्ड, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम कार्ड, मध्य प्रदेश रिसीव कार्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा प्रीविलेज मेंबर कार्ड। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से
पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने 10 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रथम प्रिविलेज मेंबर कार्ड भेंट किया है। यहाँ पे ये याद रखना है, तो यहाँ पे प्रिविलेज मेंबर कार्ड आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो रजनीश वैश्य, राधेश्याम जुलानी या नागेंद्र सिंह, शिल्पा गुप्ता। तो मध्य प्रदेश के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है वो है रजनीश वैश्य। ओके, यहाँ पे रजनीश वैश्य आपके मुख्य सचिव जो है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास रजनीश वैश्य ने 10 जनवरी 2019 को त्रिवेणी घाट का निरीक्षण कर स्नान पर्व पर नर्मदा जल की उपलब्धता करवाने की कार्य की समीक्षा की है। तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं जी। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में देश की पहली किसान कृषि संसद कहाँ आयोजित की जाएगी? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। राइट आंसर रहेगा इंदौर रहेगा। इंदौर में देश की पहली कृषि या किसान संसद आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली बार 13 जनवरी 2019 को किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। मध्य इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित की जाने वाली यह किसान संसद मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की पहली किसान संसद होगी। तो यह भारत जो है देश की पहली किसान संसद होगी जो कि इंदौर में आयोजित की जा रही है, मध्य प्रदेश की पहली किसान संसद। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि जो मंत्री है वो है सचिन यादव, भी इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, किसान जो मंत्री है वो कौन है? सचिन यादव, भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकरते हैं जी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विश्व हास्य दिवस की स्थापना दिवस पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय थाका सम्मान का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी। तो ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर आपका उज्जैन रहेगा। उज्जैन में विश्व हास्य दिवस की स्थापना दिवस पर जो है 19वें अंतर्राष्ट्रीय थाका का सम्मान जो किया गया था वो उज्जैन में किया गया था। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व हास्य दिवस के स्थापना दिवस 11 जनवरी 2019 को आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय थाका सम्मान से हास्य अभिनेता कपिल शर्मा को सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्त, कपिल शर्मा को जो सम्मानित किया गया है इसमें, यहाँ पे विश्व हास्य दिवस विश्वभर में जो है मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो जो कब मनाया जाता है, तो मई जो महीना होता है उसके पहले रविवार को मनाया जाता है जी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसका विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन 11 जनवरी 2019 को, इसका जो विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन जो हुआ था वो 11 जनवरी 1998 को मुंबई में किया गया था। यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं, मध्य प्रदेश में लोकरंग 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। आपका जो राइट आंसर रहेगा भोपाल रहेगा। भोपाल में लोकरंग 2019 का आयोजन किया जाएगा। लोकरंग का आयोजन भोपाल में 26 से 30 जनवरी 2019 को किया जाएगा, जो आयोजित किया जाएगा। ये इस बार लोकरंग के शुभारंभ अवसर पर हर बार की तरह विषय केंद्रित नृत्य नाट्य प्रस्तुति गौंड रामायणी का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसमें जो है नृत्य नाट्य प्रस्तुति गौंड रामायणी का प्रदर्शन किया जाएगा लोकरंग महोत्सव में, जो कि हर साल होता है भोपाल में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। नेक्स्ट है भू संपदा विनियम। ओके, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश रेरा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे जो श्री अंटोनी डिसा, श्रीमती रेणु तिवारी, श्री संतोष चौबे, श्रीमती मीरा दास। ओके, तो राइट आंसर रहेगा श्री अंटोनी डिसा आपका राइट आंसर रहेगा। संस्कृति सचिव श्रीमती रेणु तिवारी जी, संस्कृति जो सचिव है वो है श्रीमती रेणु तिवारी है। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मध्य प्रदेश, ओके रेरा इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में स्वीकृत नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के सत्र से शुरू होगा? तो शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। राइट आंसर शिवपुरी होगा। शिवपुरी में नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के सत्र में शुरू हो जाएगा। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया वंश की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको, जो शिवपुरी है वो ग्वालियर के जो सिंधिया थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश भवन का भूमि कहाँ किया गया है?
ओके, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नई दिल्ली। तो ये राइट आंसर नई दिल्ली रहेगा। नई दिल्ली में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश भवन का भूमि जो हो किया गया, भूमि पूजन जो बोला जाता है वो किया गया है नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने 12 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में जो चाणक्यपुरी क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले मध्य प्रदेश भवन का भूमि पूजन किया है। ओके, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो नई दिल्ली में क्या है, चाणक्यपुरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से बनने वाला पुस्तक जो है बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड्स मध्य प्रदेश के लेखक कौन है, तो इसके श्री कमलनाथ, श्री देवी सिंह, श्री विट्ठल सहगल, श्री केपी सिंह। राइट आंसर है विट्ठल सिंह सहगल, श्री विट्ठल सहगल, बिट्टू सहगल आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री श्री अल्फांस कन्ना थामन तथा सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने 12 जनवरी 2019 को भारत भवन भोपाल में किया है। बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन, यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चारवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज विषयक सेमिनार सम्मेलन का आयोजन किया कहाँ किया गया है, तो जो ऑप्शन है आपका ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, आपका राइट आंसर रहेगा इंदौर। चारवें जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज सम्मेलन का जो आयोजन 12 से 13 जनवरी 2019 था क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में किया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। खेलो इंडिया 2019 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 181 जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं खेलो इंडिया 2019 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 181 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ग्वालियर के शूटिंग जो खिलाड़ी अविनाश यादव ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया है। छिंदवाड़ा की कुश्ती खिलाड़ी शिवानी पवार रजक जो पदक प्राप्त किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुँह करते हैं जी, इसके आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। पहले कुश्ती मुकाबले में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी के खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत कांस्य पदक प्राप्त किया है। जो शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी मनीषा कीर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के 181 खिलाड़ी की भागीदारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के 181 खिलाड़ी 15 खेलों में भागीदारी कर रहे हैं। इसमें जिमनास्टिक, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, जूडो, तैराकी, शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, टेनिस और टेबल टेनिस खेल शामिल है। तो ये खेल इसमें शामिल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी संबंधित योजना का क्या नाम है, तो जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना, मुख्यमंत्री किसान ऋण माफ़ी योजना, मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना। तो जो आपका आंसर रहेगा जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भोपाल से 15 जनवरी 2019 को जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश भर में 15 जनवरी 2019 को जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकरते हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 तक के अंत तक बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत पहुंच गई है, 7.7% 8.8% 9.8% 6.8%। तो आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 9.8% जी 9.8% आपकी बेरोजगारी पहुंच गई है 2018 के अंत तक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE दिसंबर 2018 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी वो 4.1% थी, जो कि दिसंबर 2018 में बढ़कर 9.8% जा पहुंची है। तो यदि यहाँ से अनुमान आप लगा सकते हैं बेरोजगारी का कितनी बढ़ गई है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी। ओके, दिसंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक प्रदेश की बेरोजगारी दर दुगनी से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2016 में जो दिसंबर था वहाँ से दिसंबर 2018 तक दुगनी से ज़्यादा की वृद्धि की गई है बेरोजगारी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दो सालों में दुगनी हो गई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं दिनों दिन कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
जी, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से 2.4% ज़्यादा है। तो जो राष्ट्रीय औसत दर है जो बेरोजगारी की, उससे मध्य प्रदेश में 2.4% ज़्यादा बेरोजगारी है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये पॉइंट आपको याद भी रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही IMP फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुकर दें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कौन किए गए हैं? ओके, राजेंद्र कुमार मिगलानी, श्री भूपेंद्र गुप्ता, रजनीश वैश्य, रमेश भंडारी। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का सलाहकार जो नियुक्त किया गया, राजेश कुमार मिगलानी को किया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने 15 जनवरी 2019 को श्री राजेंद्र कुमार मिगलानी को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। श्री भूपेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता जो है इन्हें कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है। और रमेश भंडारी जो है MD बीच विकास निगम का प्रभार भी दिया गया है जो रमेश भंडारी को, यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से मिस्टर एंड मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019 का खिताब किसने जीता? जी, अनुष्का गोस्वामी, अस्मिता सिंह, गौरव भंडारी, पूजा राजपूत। मध्य प्रदेश से मिस्टर एंड मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019 का जो खिताब जीता है वो जीता है अस्मिता सिंह। अस्मिता सिंह ने मध्य प्रदेश मिस्टर एंड मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019 का खिताब जीता है। जी, अनूपपुर जिले की निवासी अस्मिता सिंह। जी, अस्मिता सिंह कहाँ की निवासी है? तो अनूपपुर जिले की निवासी है। जो ITC बेंगलुरु में आयोजित हुई थी मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। बेंगलोर में हुई थी मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019 का जो खिताब है वो जीतकर इन्होंने अपने जो प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो जो इनका नाम है जो अस्मिता सिंह है, और ये अनूपपुर जिले की रहने वाली है। बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, ITC बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। ओके, मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकर दे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी गठित की गई है? तो प्रमुख सचिव पर्यावरण, और नेक्स्ट है वन मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वन, और मुख्यमंत्री। आपका जो राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री आपका आंसर रहेगा। जी, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी गठित की गई है। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी का गठन किया है। केंद्र शासन के निर्देश पर राज्य प्राधिकरण का गठन प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2018 को किया गया है। यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुँह करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जी, मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? तो जो ऑप्शन है आपके, श्री सत्यानंद, श्री आत्मदीप, श्री KD खान, श्री फैज़ अहमद किदवई। ओके, तो जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा कि श्री KD खान जो है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है मध्य प्रदेश के। किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सचिन यादव जी हैं। जी, और राजस्व एवं परिवहन मंत्री जो है जो गोविंद सिंह राजपूत जी है, राजस्व एवं परिवहन मंत्री जी। नेक्स्ट है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पाठक। यहाँ पे जो याद रख सकते हैं मंत्री आप, जी देख सकते हैं मंत्री, पंचायत मंत्री जो है विकास मंत्री कमलेश्वर पाठक जी है। इसका वीडियो भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा जो कैबिनेट मिनिस्टर है MP के, तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निम्न में से किस योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? ओके, मनरेगा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। राइट आंसर आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश जो है इस योजना में प्रथम स्थान पर रहा है।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश को चयनित किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री जेएन कंसोटिया यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगे। ओके, तो इन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया है 24 जनवरी 2019 को। यहाँ पे आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुँह करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जन परिषद संस्था की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन है आपका ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। राइट आंसर भोपाल है आपका। भोपाल में जन परिषद मध्य प्रदेश जन परिषद संस्था की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आपका IMP फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जन परिषद संस्था की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2019 तक किया जा रहा है। और जनसंपर्क जो एवं विधि एवं विधायी मंत्री जो है PC शर्मा ने जन परिषद संस्था की 3 दिवसीय 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 19 जनवरी 2019 को किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की में जो अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश के अमर शहीद हेमू कालानी जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो गंज, बासोदा, भोपाल, राजगढ़ और गुना। राइट आंसर आपका भोपाल रहेगा जी। भोपाल में जो अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने 21 जनवरी 2019 को भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित हेमू कालानी उद्यान में अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा का अनावरण किया है। शहीद हेमू कालानी शहीद आजम भगत सिंह को अपना मार्गदर्शक मानते थे या अपना आदर्श मानते थे। ओके, तो जो हेमू कालानी है जो शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेज सरकार की हथियारों से लदी ट्रेन के मार्ग की पटरियों को उखाड़ने का बीड़ा उठाया। अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें 20 साल की उम्र में 21 जनवरी 1943 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इसलिए उनकी जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है भोपाल में जो हेमू कालानी उद्यान है वहाँ पर आलोक शर्मा जी के द्वारा 21 जनवरी 2019 को ईदगाह हिल्स भोपाल में जी। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। खेलो इंडिया सेकेंड यूथ गेम्स पुणे में बॉक्सिंग के 54 किलोग्राम वर्ग में दिव्या पवार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, उपरोक्त में से कौन है? राइट आंसर आपका रहेगा स्वर्ण पदक जी। जो दिव्या पवार हैं इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है खेलो इंडिया सेकंड यूथ गेम्स में जो 54 किलोग्राम की बॉक्सिंग में। ओके, तो यहाँ पर और डिटेल देख लेते। धार्मिक जो न्यास एवं धर्मस्थ जनसंपर्क विधि एवं विधायी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं विमानन ओके मंत्री जी कौन है? तो PC शर्मा ने 21 जनवरी 2019 को भोपाल में सुश्री दिव्या पवार को सम्मानित किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑपरेशन शक्ति मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? उज्जैन, होशंगाबाद, विदिशा, मंदसौर। ऑपरेशन शक्ति जो अभी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में तो ये हुआ है मंदसौर जिले में ऑपरेशन शक्ति। ओके, मंदसौर जिले में महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की दिशा में मंदसौर पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2019 को विशेष अभियान ऑपरेशन शक्ति जिले में शुरू किया गया है मंदसौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं जी। नेक्स्ट है, जबलपुर का केंद्रीय जेल किस महान हस्ती के नाम पर है? तो जो जबलपुर का जो केंद्रीय जो जेल है वो है श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जबलपुर का जो केंद्रीय जेल जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है जी। जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल 23 जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती धूमधाम से मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम किस जिले में खुलने जा रहा है? ओके, सागर, दामो, छतरपुर, विदिशा। तो मध्य सागर यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। राइट आंसर मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम जो है सागर में खुलने जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला गोकुल जो ग्राम है सागर के रतोना में खुलने जा रहा है। सागर जिले के अंतर्गत रतोना में खुलने जा रहा है।
यहाँ पे आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में बनने जा रहे इस गोकुल ग्राम के लिए मध्य प्रदेश सरकार 500 एकड़ जमीन चिन्हित कर चुकी है। तो कितनी जमीन, 500 एकड़ जमीन जो है चिन्हित कर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार गोकुल ग्राम के लिए, जो सागर के रतौना में खुलने जा रहा है, जिसमें देसी भारतीय नस्ल की 600 गायों को रखा जाएगा। ओके, तो इसमें 600 गायों को रखा जाएगा देसी भारतीय नस्ल की। गोकुल ग्राम के निर्माण कार्यों पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। तो इसमें 10 करोड़ रुपये के समथिंग खर्चा होगा इसमें बनाने में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुटकुट विकास निगम इसका जो है करवा रहा है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुटकुट विकास निगम इसके जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आदिवासी लोक महोत्सव 2019 का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो शाजापुर, राजगढ़, उमरिया, अशोकनगर। जो आदिवासी लोक महोत्सव का जो 2019 का जो शुभारंभ किया गया है वो उमरिया में किया गया है। जी, उमरिया में किया गया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं धुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़ कल्याण मंत्री एवं उमरिया प्रभारी मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने 22 जनवरी 2019 को उमरिया जिले के आकाशकोट क्षेत्र स्थित श्री बिरहुलिया में आदिवासी लोक महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया है। यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के मंदिरों के बाहर बिकने वाली प्रसादी और भोजन सामग्री की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट मंदिर, प्रोजेक्ट गुणवत्ता, प्रोजेक्ट प्रसाद, प्रोजेक्ट भोग। तो जो राइट आंसर है वह आपका रहेगा प्रोजेक्ट भोग। मध्य प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रसिद्ध मंदिरों के साथ मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में शुद्ध प्रसाद सामग्री के लिए प्रोजेक्ट भोग अभियान शुरू किया है। अभी तक यह अभियान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में चल रहा था, लेकिन अपने मध्य प्रदेश के मंदिरों में चलेगा, यहाँ मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में चलेगा, ऐसा उनका कहना है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में जो मंत्री है वो प्रद्युम्न सिंह तोमर है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग से करार किया है? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग। राइट आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के अधीन ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से अपने केंद्रों में सौर संयंत्र स्थापना का लिए करार किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुँह करते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 संस्था दमोह, इंदौर, खंडवा, धार, सतना, सुजालपुर, सिंगरौली, बैतूल, रीवा और जबलपुर जिलों में 2250 किलो वाट की क्षमता के सौर संयंत्र प्रस्तावित है। 25 जनवरी 2019 को भोपाल में नवीन नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हर्ष यादव की उपस्थिति में इस संबंध में करारनामे पर हस्ताक्षर हुए हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुँह करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है किसे पदस्थ किया गया है? जी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे पदस्थ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके श्री अनुराग जैन, श्रीमती सलीना सिंह, श्री अरुणा कुमार तोमर, श्री J.N. कसौटिया। राइट आपका आंसर रहेगा श्री अरुण कुमार तोमर, आपका राइट आंसर है। श्री J.N. कंसोटिया प्रमुख सचिव महिला बाल विकास जो विभाग है इसके हैं, और श्री अनुराग जो जैन हैं वो प्रमुख सचिव है वित्त विभाग के। श्रीमती सलीना सिंह अपर मुख्य सचिव कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो B.L. कांता राव है, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुँह करते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड का नेतृत्व करने वाली सोनम मिश्रा किस जिले के निवासी हैं? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा। ओके, तो यहाँ पे आपका रीवा की जो है NCC में जो परेड किया था गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड NCC का नेतृत्व करने वाली सोनम मिश्रा जो है रीवा की रहने वाली है, रीवा जिले की निवासी।
तो शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीना की एनसीसी कैडेट सोनल मिश्रा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली के राजपथ पर परेड करते हुए राष्ट्र का नेतृत्व किया है इन्होंने। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं। गणतंत्र दिवस 2019 पर मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है? तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 जी, चार आपका जो राइट आंसर है वो 4 है। मध्य प्रदेश की जो गणतंत्र दिवस 2019 पर मध्य प्रदेश की जो 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, श्री बाबूलाल दहिया खेती के प्रति जो संवेदनशीलता है उसके लिए, श्री कैलाश मड़वैया ओके बुंदेली बोली के रचनात्मक लेखन कर जो भाषाई बहुलता को जीवंत बनाने का रचनात्मक प्रयास किया जाए ओके। यहाँ पे आपको ये याद रखना है जी। श्री बसंत जो श्री प्रताप सिंह हरडिया नेत्र विज्ञान में अपनी विशेषज्ञता के समाज सेवा का उत्कृष्ट काम किया इसलिए, और श्री महेश शर्मा अपनी प्रतिबद्धता के साथ जनजाति कल्याण में जुटे इनके लिए इन चारों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शहरी बेरोजगार युवाओं का पंजीयन कब से प्रारंभ हुआ? 25 जनवरी 2019, 10 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019। आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 10 फरवरी 2019 से ओके। युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शहरी बेरोजगारी युवाओं का पंजीयन प्रारंभ हुआ 10 फरवरी 2019 से। मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में शहरी बेरोजगार युवाओं के पंजीयन का कार्य 10 फरवरी 2019 से नगरीय निकायों के प्रारंभ किया जा रहा है। पंजीकृत युवाओं को फरवरी माह 2019 में ही उनके पसंद के रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ओके। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके लिए नगरी निकाय क्रियान्वयन एजेंसी है, और युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य शहरी युवा बेरोजगार को उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र में 1 वर्ष में 100 दिन का तात्कालिक जो अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ओके। तो 100 दिन का उनको अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, रोजगार के दौरान ही युवाओं को उनके पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर का लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना स्वाभिमान युवा स्वाभिमान योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ भारत यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के किस शहर को बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तो राइट आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा इंदौर। इंदौर स्वच्छ भारत यात्रा के तहत मध्य प्रदेश की किस जो बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है इंदौर को। देश भर में 10 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ होकर 6 मार्गों से होते हुए गत 26 जनवरी 2019 को दिल्ली में समाप्त हुई स्वस्थ भारत यात्रा का तीसरा मार्ग इंदौर से 30 दिसंबर 2018 तक 1 जनवरी 2019 तक गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, मध्य प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन परिवहन रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो अवैध खनन रोको अभियान, पानी रोको अभियान, सॉरी खनिज रोको अभियान, पुखराज अभियान और उत्खनन रोको अभियान। राइट आंसर है पुखराज अभियान। मध्य प्रदेश के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के अनुसार प्रदेश में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए पुखराज अभियान चलाया जाएगा। खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोकना पुलिस, खनिज, राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जवाबदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? सुधीर रंजन मोहंती, श्री पीसी मीना, श्री वीके सिंह, श्री राधेश्याम जुलानिया। तो जो आपका राइट आंसर है वीके सिंह आपका राइट आंसर होगा जी। नए पुलिस महानिदेशक जो बनाया गया है वो वीके सिंह जी को बनाया गया है। श्री पीसी मीना अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो पीईबी या फिर व्यापम आप बोल सकते हैं, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसके जो अध्यक्ष है वो पीसी मीना जी हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है जी। श्री राधेश्याम जो जुलानिया है अपर मुख्य सचिव है जल संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर या मुख्य सचिव है राधेश्याम जुलानिया। सुधीर रंजन मोहंती को मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के हैं। मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव जो है वो सुधीर रंजन जी को बनाया गया। श्री वी के सिंह 29 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजी
नियुक्त किए गए हैं जो ऋषि कुमार शुक्ला के स्थान पर पदस्थ किए गए, जिन्हें शासन ने पुलिस हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो इनसे पहले जो थे ऋषि कुमार शुक्ला थे, अब इनको बनाया गया वीके सिंह को, ये पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए। ये तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? भोपाल, उज्जैन, गुना और दतिया। तो भोपाल में स्टेडियम बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए। ओके, जनसंपर्क विधि एवं विधायी विज्ञान प्रौद्योगिकी विमानन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ मंत्री जो है पीसी शर्मा ने 29 जनवरी 2019 को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए स्टेडियम निर्माण हेतु भोपाल के समीप ग्राम बरखेड़ा नातू में जमीन का मौका मुआवना किया है। तो इसलिए उन्होंने मुआवना किया है जमीन का, क्योंकि स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मैच के लिए, ओके, भोपाल के नमिक समीप जो बरखेड़ा नातू के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है जी, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को आइकॉनिक साइट के रूप में भारत सरकार ने चिन्हित किया है? तो मांडू, पंचमढ़ी, खजुराहो, चंदेरी। राइट आंसर खजुराहो रहेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में भोपाल को म्यूजियम, ग्वालियर को म्यूजियम, चंदेरी को टेक्सटाइल और इंदौर को क्यूजन सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जल्द ही पचमढ़ी और जो खजुराहो में गो हेरिटेज रन आयोजित किया जाएगी। मध्य प्रदेश जो पर्यटन मंत्री हो सुरेंद्र सिंह बघेल जी हैं, यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुकरते हैं, इंदौर का 56 जो दुकान है, ओके, 56 दुकान मार्केट देश का कौन सा क्लीन स्ट्रीट फूड हब बना? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। राइट आंसर है आपका दूसरा। जी, मध्य प्रदेश की आर्थिक जो राजधानी इंदौर का एमजी रोड पर स्थित 56 दुकान मार्केट देश का दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 28 जनवरी 2019 को इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ज्ञातव्य है कि अहमदाबाद के कांकरिया झील मार्केट को देश का पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब बना है। तो अहमदाबाद जो पहला है और दूसरा इंदौर है, यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय वायरोलॉजी लैब कहाँ के गांधी मेडिकल में शुरू हुई है? तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। राइट आंसर भोपाल आपका रहेगा। भोपाल में देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय वायरोलॉजी लैब शुरू कर दी गई है। टाइटिस ई, डेंगू, चिकनमुनी, हर्पिस सिप्लेक्स एंड वायरस, रूबेला, टेक्सोप्लाज्मा, रोटा वायरस आदि वायरस की पहचान अब हर स्तर पर, हर राज्य स्तर पर ही हो सकेगी। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो राज्य स्तरीय वायरोलॉजी लैब जो स्थापित शुरू की गई है वो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में की गई है। तो ये यहाँ पे आपके जो कंप्लीट हो गई आज का जो करेंट अफेयर हम जनवरी मंथ का लेके आए थे आपके लिए, एमपी करेंट अफेयर। यदि आप फरवरी करंट अफेयर भी चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। जल्दी से जल्दी हम आपके लिए फरवरी का पूरा करंट अफेयर लेके आए, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।